इसलिए सबसे लंबे पीछे आओ, सबसे आगे, सबसे छोटे आगे आओ। कम से कम रात के 4 बजे तक मैं इस बात को लेके जगता रहा और 5 बजे मुझे एक ऐसे पता नहीं किस दिल में आई कि जिस 5 साल से मैं इस गलत फहमी में था कि मुझे आगे खड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि मेरी हाइट कम है, मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि आज से बाद, आज 7 समंदर में अगर कभी खड़ा होना है तो हमेशा जीवन में आगे ही खड़ा होना हो। और उसके बाद कबड्डी रही हो या कोई खेल रहा हो और या सिनेमा रहा हो या आज हरांग जाओ हो, मैं आगे ही खड़ा हूँ। ये मैं अपने सब भाई बहनों को, ये थोड़ा सा जो भी छोटे हैं हमसे उम्र में बड़ों से, तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ यहाँ पे जो भी हैं, क्योंकि मैंने बड़ों से बहुत सीखा है। लेकिन छोटे वाले लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जिनकी उम्र कम है या जिनको लगता है उनकी हाइट कम है तो राजपाल को देख के वो पता कर सकते हैं, मैं 55 से 100 फीट का पैदा हुआ, बाकी सब बोनस है। शीतल, अभी शीतल जो चुप चुप के में थी वे, आज ये हाइट और फाइट का आपको एक लेसन दे के जा रहा हूं दोस्तों। जिस दिन आप अपने अंदर की, बोलते ना कि जब सूरज दिन भर चमकना बंद कर दे, रात का चांद आपको चमकना बंद कर दे, जब सूरज भी ना दिखे और चांद भी ना दिखे, फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि आपके अंदर की ऊर्जा वाली जो अंदर आप सोचते हो कि आप सूरज भी नहीं दिख रहा, चांद भी नहीं दिख रहा, जीवन कैसे जिया जाए, तो उस दिन अपने अंदर की लाइट को जलाना और उसके बाद जो भी आपका दिल बोले पूरी दुनिया को लांग जाना, आप कभी भी असफलता नहीं पाओगे, आप सफलता ही पाओगे। सफलता का मीनिंग ये नहीं होता कि आप कितने सक्सेस हैं, सफलता का मीनिंग ये होता है आप कितने अच्छे हैं। अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक डायलॉग है कि छोटा डॉन, मैंने कश्यप ने, भृगु कश्यप ने रात अभी आ रहे थे, अच्छा रास्ता बहुत अच्छा है, चिंता मत करना बन जाएगा धोती एक। अच्छा मेरे गोल्डी जैन साहब बोल रहे हैं कि राजपाल भाई सिर्फ 4.5 घंटे हाफ लॉन्ग तक चल रहा है और बस उसके बाद फंक्शन में। मैंने कहा बहुत अच्छा है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी, सुबह 10:30 बजे मुझे दिल्ली पहुंचना था, क्या बढ़िया, मतलब हाफ लॉन्ग से आए अपन कि 1 बजे मैं आप लोगों को फेस कर रहा हूँ, सुबह 10:11 बजे पहुंचूंगा, कल 4 बजे दिल्ली पहुंचूंगा, बहुत मजा आया मुझे। टिकट बन गया? अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे पहले लगा था कि इन्होंने बोला, मैंने कहा टिकट करवा दो, तो बोलते हैं कि टिकट साहब हो गया है, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बोले लेकिन आप अभी 12:01 बजे निकलोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा 7 घंटे आने में लगे, 7 घंटे जाने में लगेंगे, सुबह 6 बजे का टिकट कैसे अच्छा लगेगा इनको सबको, अगर 1-2 बजे रात में अच्छा लगेगा तो सुबह फ्लाइट को कैसे अच्छा लगेगा। तो रात में अभी फ्लाइट चेंज करवा के 1 बजे करवा ली, लेकिन ये विश्वास कीजिए मैं आप लोगों के सामने, मुझे पहली बार गुस्सा नहीं आया। हमारे गोल्डी साहब, उनको हमारे शेड्यूल की नॉलेज होती है, वो एक एक मिनट के लिए, लेकिन हमने पहली बार, गोल्डी भाई इस बात गवाह हैं, हमने आज के टिकट में बिल्कुल मत बोलना अगर कल शाम भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जब अमेंदु साहब इन लोगों सबसे मिला और इनका प्यार देखा, प्रेसिड इतने लोग हैं, मतलब जिनका नाम लेना भी बड़ा मुश्किल है,
कि जितने लोग कम से 15 से 20 लोग मिले और सबने इस व्यवस्था का अपना अपना परिचय दिया, मैं हृदय से इन सारे लोगों को इस व्यवस्था के लिए, इस समरसता के लिए, इस सरलता के लिए, इस सफलता के लिए, इस संपन्नता के लिए मैं आप सबको तहे दिल से साधुवाद देता हूं और आपका नतमस्तक होता हूं कि आपने, आपकी वजह से ही जलसे होते हैं और आपकी वजह से ही सलसे होते हैं और आपकी वजह से मकान बनते हैं और आपकी वजह से ही मंच बनते हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, ना राज्यपाल है ना कुछ भी है। जब से बोलना शुरू किया है सर एक डायलॉग, सर एक डायलॉग, सर एक डायलॉग, इतना खर्चा हो गया। हाँ तो एक चीज ले ही लेते हैं। अच्छा इतना खर्चा हो गया मालिक, तू फिर कौन सा वाला डायलॉग रुजा उनसे बात कर लेते हैं, कौन सा वाला डायलॉग, कौन सा वाला डायलॉग तुम मुझे बताओ तो। हेलो, ए नहीं नहीं नहीं, हेलो भाई, हे आने दो मेरे भाई को उसको, अरे हेलो, हे अरे उसको आने दो, अरे कहाँ भेज दिया यार उसको आपने, मैं इधर आओ, इधर आओ। एक्चुअली दोस्तों कभी भी किसी को मत भगाना, मैं आपको एक बहुत इसी लाइन पे मैं आपको एक, मैं 97 में जब मुंबई गया था और मुझे एक हमारे बहुत फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता ने, कुछ कुर्सियों की कमी थी तो मुझे उठा दिया था। मैं उस समय जस्ट एनएसटी पास होके गया था और जब मुझे उठा दिया उस दिन भी मैंने संकल्प किया था कि एक दिन आप कुर्सी मेरे लिए डालोगे और विश्वास कीजिए 3 साल नहीं बीते मैंने खुद अपनी आंखों से उसको 3-3 बार कुर्सी डालते हुए देखा। तो कभी भी किसी को स्थान से हटाना नहीं चाहिए क्योंकि हर आदमी का अपना एक स्थान होता है और स्थान में चाहे ऑर्गेनाइजर हो और चाहे देखने वाले हो, हर आदमी की हाय ठीक हो वो भारत से एक स्टेज वाले लोग पा, स्टेज वाले लोग पा, ओके। एक डायलॉग मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि सब लोग बहुत, हालांकि मैं आपको अंदर एक बात बताऊं, आप जितना मुझे कॉमेडियन समझते हैं मैं रियल लाइफ में महाबोर इंसान हूं। मुझे नहीं आता है कि डायलॉग किसको कहते हैं। ये बात सच है कि जब आप लोगों की इतना प्यार है और आप बोलते हैं कोई डायलॉग सुनाओ तो मैं डायलॉग सुना देता हूँ, लेकिन अंदर की बात अगर मैं आपके सामने बोलूं तो पिछले 20 साल से मैंने जितने भी डायलॉग बोले मुझे कोई डायलॉग याद नहीं है। क्योंकि क्योंकि अगर मैं डायलॉग याद करूंगा तो अब वही डायलॉग बार बार लोग आगे के कैसे सुना पाऊंगा, इसलिए पीछे के डायलॉग एक बार बोल दिए, बिलीव करिए मैं भूल जाता हूं, इसलिए भूल जाता हूं कि ये डायलॉग की छाप मेरे सर पे ना रहे ताकि अगले डायलॉग इनसे बसीभूत होके अगले डायलॉग बिगड़ जाए। इसलिए एक बार जो डायलॉग बोला उसको आप बार बार बोलें और हम अगला डायलॉग सीखें ताकि पिछला वाला मारो सर मारो, हमको मंदिर का घंटा समझ के रख कर कोई भी आके बजा जाता है यार, ताल कब खत्म होगी। अरे साले जरा सिंह रावण के खानदान, ये जैकेट उल्टी मेरी गर्दन उल्टी नहीं है, ये जैकेट उल्टी है ना। कितने डायलॉग अब 200 फिल्में लगभग लगभग करने का मौका मिला है और कौन से डायलॉग आपको याद है, लेकिन आप याद दिलाते जाओ।